Hey guys, hello everybody, welcome back to the channel. This is Balraj Jassal with a new amazing video, guys. So guys, first of all, happy new year sabko, naye saal ki bahut bahut zyada badhai ho. Hope ke saal sabke liye badhiya jaye, bahut hi khushiyan lekar aaye naya saal 2022, aur jo ye covid wagera wala scene hai bhi khatam ho jaye. Baki aaj ek tarikh hai new year, naya saal, naya din, naya mahina और नई उमंग के साथ. और हम जा रहे हैं नई उमंग के साथ गुरुद्वारा. टाइम हो रहा है 10:24. हेलो, तकरीबन 10:30 हो गए हैं, लेट हो गया मैं तो. आज जा रहे हैं गुरुघर, नया साल है तो फिर शुरुआत करने के लिए बढ़िया जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं वैसे साइकिल्स पे क्योंकि साइकिल पे ही जाना पड़ेगा, गड्डी तो है नहीं. ये इन इटली यू नीड बाइसाइकल्स. और आज ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है. वैसे कहते मैं आपको बता दूं, मैं तकरीबन हफ्ता हो गया कलाबरिया में आ गया था. काफ़ी दिन से कलाबरिया आ गया था, व्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा मैंने की नहीं क्योंकि क्या व्लॉगिंग करता, गाड़ी में चल ही रहे थे. तो फिर मैंने सोचा कि आज करते हैं व्लॉग. नया साल है, क्रिसमस वगैरह सब बढ़िया चला गया. आ जाए कापोदानो, बोन कापोदानो रगाची. और आप सुनो, लिटरली मतलब गर्मी ऐसी वाला सीन हो गया है. मैंने मतलब ज़्यादा लेनी भी नहीं की टी शर्ट के ऊपर शर्ट, डेनिम शर्ट, और रवि ने भी सिर्फ एक स्वेट शर्ट डाल रखी है क्योंकि मतलब लिटरली ना गर्मी वाला यही गर्मी हो गया ऐसा लग रहा है. तो गाइस, वी आर गोइंग ऑन साइकिल्स पे जा रहे हैं. आज तकरीबन है ना जो 3.5-4 किलोमीटर दूर है, मतलब कि हम रहते हैं मोमरी ना, गुरुघर है कोंदोपुरी में. अपने एरिया से तो बाहर निकल गए हैं, मोमरी ना से बाहर निकल चुके हैं. और हाईवे पे जो है मतलब थोड़ा बाहर वाले रोड पे जो है आ चुकी ये चल रहा है रवि. हाँ जी, कितनी दूर है कोंदोपुरी? 15 मिनट. बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्कत के साथ पहुंच गए हैं कोंदोपुरी. तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया शायद गुरुद्वारा साहब. मेन काम जो अभी है क्योंकि इस जो यहाँ पे ना इस एरिया में है पहाड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी डूंगाई और चढ़ाई. अब चढ़ाई जो शुरू हो गई है, सांस चढ़ना शुरू हो गया है. ये 1 किलोमीटर ना मतलब पूरे 4-5 किलोमीटर की थोड़ा जोर लग जाता है यहाँ पे. चलो कार्डियो कर लिया आज, बाकी वो पीछे आ रहे हैं बाकी टीम, तो फिर चलते हैं. अभी इंडियन दुकान से ली मिठाई सी थोड़ी सी, बाकी अब फ्री क्या. सो गाइस, गुरुघर पहुंच गए हम, जल्दी से चलते हैं अंदर, मत्था घर टेकते हैं. गुरुद्वारा साहब चाय वगैरह पी के गुरुघर से तो आ गए थे, बस फिर वीडियो मैंने बनाई नहीं, आगे सो सू गए. 5-10 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद, कितने किलोमीटर पूरी 3-4-8 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद सो गए घर पे आके, थक बहुत गए थे. बाकी अब जा रहे हैं हम इन न्यूयॉर्क. बाकी अब हम जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए, वो हमारी ना इधर ना जाना, नीचे नीचे को चलेंगे. रुक जा, देखा क्या है धक्का.
सो गए हम ना, मतलब एक दिन रात को आ रहे थे सड़क पे, ये वो छोटा कुत्ता वो आपने देखा होगा, वो ना मतलब जा रहा था, रवि ने उसको बुलाने की कोशिश की, वो डर गया और वो डर के ना भाग दिया, और मतलब इतनी स्पीड से भागा ना रोड के बीच में, पीछे गाड़ी आ रही थी तेज, टक्कर मारी, तीन चार पलटियाँ खाई उसने और एकदम से भाग गया। मेरे को तो लगा था कि हो गया काम, बट आज फिर ये घूम रहा था। हम आपको लाल लाल से दिख रहे होंगे क्योंकि अब हम आ गए हैं बीच साइड पे, और जो समुद्र है इधर हो जा भाई, वो रहा सूरज, दिख ही रहा कहाँ है, वो रहा सूरज, ये नेचुरल लाइट है, सीधा जो मुँह पे बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है सब कुछ रेड रेड। तो फिर अब हम आ गए थे बीच साइड पे, काफ़ी मतलब ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, बट सही है क्योंकि कोविड वगैरह के केसेस दोबारा से बढ़ने लग रहे हैं ना, अब इस कारण इतनी ज़्यादा मतलब वो भीड़ वगैरह नहीं है। तो गाइस अब हम वह तो जा रहे हैं, वो जो है वो वहाँ पे एंड ऑफ द बीच साइड, मतलब कि जो सड़क है ना, बीच साइड सड़क है ये, उसके एंड में जाएंगे और सूरज का टाइम लैप्स देखना आप एक बार, क्या बढ़िया होने वाला टाइम लैप्स निकालते हैं जाके। पहला लग रही थी गर्मी और की ठंड, एको रगासी और आप काल दो घंटे के बाद ना लिटरली ठंड लगने लग जाएगी। अभी गर्मी लगने लग गई है बट हमको पता है कि थोड़ी देर बाद है जो ठंड हो जाती है, हवा वगैरह चल जाती है, इसलिए हम पहले ही आए हैं।